दोस्तों नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं। होली से पहले जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। 17,786 के आसपास निफ्टी फिफ्टी आ गया, 192 पॉइंट की तेजी है। तो तीन इंडेक्सेस में लगभग 1% ऊपर की तरफ कारोबार कर रहे हैं। लाइव ट्रेडिंग है ये। बीएससी सेंसेक्स 60,550 में कारोबार कर रहा है 641 पॉइंट के साथ, और निफ्टी बैंक में भी तेजी है 41,599। तो सारे सेक्टर के शेयरों में एक तरह से तेजी है। जो पिछले हफ्ते एक तरह से गिरावट थी, तो फ्राइडे के दिन एक तेजी देखने को मिली। आज भी मंडे के दिन 6 मार्च 2023 को ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है निफ्टी 50। निफ्टी 50 की बात करेंगे पीवर लेवल्स के अनुसार, चार्ट पैटर्न के अनुसार। और शेयरों की बात करते हैं तो देखिए, एचडीएफसी बैंक में तेजी है, लगभग 1634 में है। आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं तो 873 में। एसबीआई में देखिए 566 में पहुंच गया। पिछले हफ्ते एक तरह से देखिए नीचे की बात चल रही थी, और आज के दिन 566 में। तो ये कहने का मीन्स है कि जिन्होंने थोड़ा बहुत अगर ख़रीदा है तो लगभग 4 से 5% एसबीआई ऊपर की तरफ है। और उसी तरह से और जो शेयर हैं उनमें हैवीवेट्स हैं, उनमें एक तरह से तेज़ी है। आप रिलायंस को भी देख लीजिए, 2418 में है, और इंफोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, एससीएलटेक, टाटा स्टील, लार्सन एंड टोब्रो, आईटीसी, टीसीएस, टीसीएस का स्टॉक ऊपर की तरफ है। तो कहने का मीन्स ये कि जो हैवी वेट्स हैं उनमें एक तरह से बाइंग आई है लोअर लेवल से, और इसीलिए निफ्टी 50 17,770 के ऊपर कारोबार कर रहा है। एक बड़ा पॉइंट ये है कि अडानी ग्रुप के शेयरों में बड़ी हलचल बनी है। फिर से अडानी इंटरप्राइजेस 2100 के आसपास पहुंच गया। अच्छी खबरें आ रही हैं, तो बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ अडानी इंटरप्राइजेस और अडानी पोर्ट और जो ग्रुप की कंपनियां हैं उनमें एक तरह से तेज़ी देखने को मिल रही है। और कोई बुरी खबर आ रही है या फिर बैड न्यूज़ आ रही है तो फिर गिरावट देखने को मिल रही है। तो बड़ी हलचल है, और इसमें स्टॉप लॉस के द्वारा ही कारोबार करना चाहिए। फिलहाल जो हैवी वेट्स हैं, खासतौर से रिलायंस देखिए, एचडीएफसी बैंक देखिए, इंफोसिस है, कोटक महिंद्रा बैंक है, एक्सिस बैंक है, एससीएल टेक है, सारे सेक्टर के शेयरों में तेजी है, वेदांता है। तो अब निफ्टी 50 की बात करते हैं, पीवर लेवल्स के अनुसार बात करेंगे। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाएं शेयर बाजार के अपडेट के लिए। अब दोस्तों टेक्निकल चार्ट के अनुसार बात करते हैं। निफ्टी का ये चार्ट लगा हुआ है, और निफ्टी में एक तेज़ी बनी है। देखिए तेज़ी जो बनी है 17,234, जब ये 17,200 और 300 के आसपास था, तब एक वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश थी कि ओवरसोल्ड की स्थिति बनी हुई है। तो उसके बाद देखिए पिछले चार ट्रेडिंग सेशन में तेज़ी बनी है। ये इस दिन 2/3/2023 को ये रेड कैंडल है, तो प्रॉफिट बुकिंग थी। बट ये लास्ट देखिए 3/3/2023 को एक बुलिश कैंडल बना, उसके बाद आज भी निफ्टी ऊपर की तरफ। अगर हम इस कैंडल को रीड करें, देखिए इसका जो ओपन हुआ था ये 17,686 और लो है 17,683। तो 17,686, 17,683 लो और ओपन है, और हाई बना लिया 17,793, और इस वक्त कारोबार कर रहा 17,796। तो देखिए एक बुलिश कैंडल बन रहा है। अगर आज के दिन ही ये 6 मार्च 2023 को ही ये 17,800 को क्रॉस करता है, जो लग रहा है कि ऊपर की तरफ होना चाहिए, बट ये है कि यहाँ पे एक हडल है दोस्तों, 17,800 के आसपास एक हडल है। अगर ये 17,800 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ 17,830 के आसपास जाता है, तो नेक्स्ट जो लेवल होगा 17,900 के आसपास का होगा, 17,910 और आसपास जा सकता है। और जहाँ से गिरावट आई थी ये 18,000 के आसपास तक निफ्टी 50 जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो देखिए जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है, अगर प्रॉफिट हो रहा है, कम समय के लिए लिया है 5 से 7% का, तो एक प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस स्टॉक में भी होना चाहिए। और जो इंडेक्सेस में अभी कर रहे हैं तो अपने अनुसार देखना चाहिए, एक स्टॉप लॉस होना चाहिए ताकि प्रॉफिट ना जाए। अगर हम टेक्निकली बात करते हैं तो देखिए निफ्टी का जो ट्रेंड है एक तरह से बेयरिश ट्रेंड है दोस्तों। दिसंबर के महीने से बेयरिश ट्रेंड है, ये जंप तो कर रहा है बट ये कि ऊपर की तरफ टिक नहीं पा रहा है, इसीलिए एक प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो अभी तो तेज़ी है, और 17,800 अभी देखिए 17,790 के आसपास है, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। ये लेवल इंपॉर्टेंट है 17,800 का, उसके बाद मान के लिए 70-80 पॉइंट और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कहने का मीन्स है 17,800 का लेवल इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अगर निफ्टी टिकता है, ट्रेड करने लग जाएगा, तो और तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसके नीचे अगर निफ्टी रहेगा, सपोर्ट जो रहेगा आज का लो 17,686, 17,683, इसके नीचे अगर निफ्टी आने लग जाएगा तो मान के चलिए फिर निफ्टी में गिरावट स्टार्ट हो जाएगी, जहां से बढ़ा था वहीं तक आ जाएगा।
तो एक स्टॉप लॉस जरूर रखें इसमें, स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और जो ताकि प्रॉफिट ना जाए, और जो ऊपर की तरफ फंसे हुए स्टॉक ऊपर की तरफ हो, तब अपना फैसला, अपना डिसीजन, अपना निर्णय लेना चाहिए कि हमको करना क्या है। क्योंकि जब निफ्टी ग्रीन में होता है तब अगर आप ट्रेड कर रहे हैं और स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हैं तो फिर एक तरह से फंसने के चांसेस होते हैं। अब जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है 17,300, 17,400, तो बॉटम में तो किसी ने नहीं पकड़ा, बट ये कि SIP के थ्रू अगर किसी ने लिया है पिछले कुछ दिनों में 8-9 ट्रेडिंग सेशन के अंदर, तो फिर से निफ्टी 17,790 के आसपास पहुंच गया दोस्तों। तो एक तेजी बनी है, ऊपर की तरफ जा सकता है, 17,800 के आसपास एक हडल है, तो इस लेवल को देखिए, और इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है एक दो ट्रेडिंग सेशन तो फिर 18,000 का लेवल है, वहाँ पर हडल होगा, फिर नेक्स्ट अपडेट करेंगे। तो ये टेक्निकल चार्ट के अनुसार है। RSI की बात करते हैं तो ये डेली के हिसाब से 51 में, और पिछली बार देखिए 54 के आसपास से ये घूम गया था RSI, तो ये 54-55 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा RSI का, अगर इसके ऊपर टिकेगा तो और तेज होता हुआ दिखेगा। फंडामेंटली बात करते हैं तो लास्ट तिमाही के जो नतीजे थे तो मिले जुले थे, और बयान जो है एक तरह से निगेटिव आ रहे थे, अब थोड़े बहुत पॉजिटिव आए हैं, तो निफ्टी में एक तेज़ी बनी है। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।